मौसा का किसी के साथ एक लड़की थी। आई डोंट नो फॉर श्योर ये अफेयर था या सिर्फ लस्ट। मौसी 3 दिन के लिए बाहर गई थी लेकिन वो दूसरे ही दिन लौट आई। डेथ के बाद मौसा का इस तरह से धोखा देना, मासी को मौसा पे पहले से ही डाउट था दैट ही इज हैविंग एन अफेयर। यू नो, हर वक्त अपने साथ फोन को कैरी करना, मैसेजेस आए तो उसे डिलीट कर देना, चैट करना हो तो कमरे का दरवाजा बंद कर देना, थिंग्स लाइक दैट। तुम्हें ये सब पता था तो तुमने हमसे ये सब शेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रबल, ये सब हमारी फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और जहां तक मानव की अफेयर की बात है, आई एम टेलिंग यू, एक्सीडेंट के पहले तक वो ऐसा नहीं था। ही वॉज अ वन वुमेन मैन। एक्चुअली कुछ दिनों पहले हम मानव के साइकेट्रिस्ट से मिले। उसने हमें बताया कि उसका पहाड़ी से गिरना एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ सुसाइड अटेम्प्ट। वॉट? Suicide? But I don't know anything about it. Beautiful. Magical jagah hai. Aisa lagta hai ki उस तरफ चले जाओ तो वंडरलैंड शुरू हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई झंझट नहीं वहां, कोई दुख नहीं, है ना? कभी कभी इच्छा होती है कि अगर मैं मरूं तो इसी जगह आके मरूं। आप
आई एम सॉरी, वो उस दिन रात में, बट वी कंप्लीटली एग्री विद यू। अब मिट्टी, एक सवाल था, आप ये आप लोगों का फार्म हाउस काफी खूबसूरत है, तो आप लोग आते होंगे यहाँ पे अक्सर? कुछ खास सिग्निफिकेंस रही होगी इस जगह की आप लोगों के लिए? हाँ, मानो को ये जगह बहुत पसंद है। मैं वहां जाके प्रार्थना करता हूँ, इबादत। कहता है whenever he comes here, he feels recharged. कुछ तो बात है उस जगह में। He calls it his magic land. मेरी प्रार्थनाएं, मेरी इबादत, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते, ऐसा कभी हुआ नहीं। पर वहां जाके लगता है कि कैसे सपने, कैसी मन्नतें। क्यों चाहिए सब?